पालेंगे? कुत्ता कल पालोगी? साठन ना साठन लो। हाँ कुत्ता कल पालोगी? साठ। अब मासू दूसरा बेबी ले आई, अब तुमको प्यार नहीं करेगी, बताओ अब क्या होगा? सर्दियों में ना इंसान इतना लेजी हो जाता है स्किन केयर को लेके, हेयर केयर को लेके इतना लेजी हो जाता है। आज हल्का सा मौसम मेरा साफ हुआ है, हल्का सा, बहुत मतलब झूठ मूठ वाली धूप निकली है अभी तक तो। 12 बज रहे हैं अभी और बस रोशनी दिख रही है अभी धूप की, बट उम्मीद है कि शायद निकल जाए। 10 दिनों के बाद निकली है इधर धूप। लालच आ गया कि थोड़ा सा स्किन क्लियर कर लियो जाए। काफी दिन से मैं बस फेस वॉश, क्लींजर, मॉइस्चराइजर, क्लींजर, मॉइस्चराइजर, थोड़ा सा तो एटलीस्ट स्क्रब कर लूं। एकदम से स्किन मेरा डल डल सा लग रहा था, मुझे खुद में देख के बहुत खराब लग रहा था, तो मैंने सोचा बस स्क्रब करूंगी, कुछ नहीं करूंगी ज्यादा, स्क्रब करूंगी और मास्क लगा लूंगी, थोड़ा सा फेस मास्क हल्का सा, बस थोड़ा सा ना स्क्रब से ही मुझे बहुत बेनिफिट लगता है। अब तो मैं भी मार्केट वाला यूज कर रही हूँ, मैं कभी कभी ना डीआईवाई वाला भी यूज करती रहती हूँ, मिक्स करके कभी ये कभी वो। हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और मौसम को पता चल गया है कि सुरुचि को आज धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो धूप खत्म हो गया है। जैसे ही मैं वॉशरूम में गई शैम्पू करने के लिए, धूप कोई बात नहीं, बस रोशनी की तरह निकला था, मुझे भ्रम हो गया था शायद कि आज धूप रहेगा, उधर तो बारिश बारिश जैसा मौसम भी हो गया। मात्र एक घंटे में ही सब उलट फेर हो गया। कोई बात नहीं, मैं बाल वाल सुखा लिया, मैंने अपना बाल वाल मेरा सूख गया है, बहुत सारे कपड़े थे वो सब भी मैंने फैला दिया यहाँ पर। अब चलती हूँ नीचे, थोड़ा सा मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि इस समय सबको ही है घर में नीचे, अभी मम्मी भी है, छोटे भी, और सबका मूड अभी थोड़ा डिस्टर्ब है, तो सबको चाहिए अभी एक कप चाय। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। मेरा जो वीडियो का जो मैंने प्लान किया था अपलोडिंग शेड्यूल, वो मैंने ऑलमोस्ट डन कर दिया है। अब कितना मैं उस पर खड़ी उतरती हूँ ये तो अब ऊपर वाला ही जानता है, और मैं अपना 100% देने का कोशिश करूँगी। और शेड्यूल जो मैंने बनाया है वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी। आपको अब से वीक में 3 डेज व्लॉग मिलेंगे, मंडे, ट्यूसडे को व्लॉग आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अगर आ गया तो बोनस रहेगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। मैंने ट्यूसडे शेड्यूल नहीं रखा है, व्लॉग का शेड्यूल है मंडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो व्लॉग बस इसी 3 दिन आएगा, संडे और वेडनेसडे को कोई भी मैं DIY वीडियो अपलोड करूंगी, कुछ भी, कोई हॉल हो गया, कोई DIY हो गया, मतलब समथिंग अदर देन व्लॉग आएगा। तो वेडनेसडे और संडे को जो वीडियो आएगा वो कुछ भी हो सकता है, वो स्किन केयर हो सकता है, हेयर केयर हो सकता है, DIY हो सकता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड हो सकता है, कुछ हॉल हो सकता है, तो इस टाइप का कुछ मिक्स वीडियो रहेगा वेडनेसडे और संडे को। बाकी मंडे, थर्सडे और फ्राइडे आपको व्लॉग्स मिलेंगे। ये मैंने बिल्कुल डन कर दिया है, अब से इसी मंडे से इसी रूटीन से वीडियो अपलोड होगा। और दूसरे वाले चैनल पर अगर आप मुझे फर्स्ट स्क्राइबल पर फॉलो करते हैं तो वहाँ वीडियो जाएगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, सिर्फ और सिर्फ वीक में 3 दिन। सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन आपको बोनस वीडियो मिल भी सकती है या फिर नहीं भी मिल सकती है। मैंने शेड्यूल में सिर्फ 3 दिन रखा है, जैसे यहाँ पर मैंने शेड्यूल किया है कि मैं ट्यूसडे को व्लॉग डाल भी सकती हूँ, नहीं भी डाल सकती हूँ, वैसे ही वहाँ के लिए भी है कि सैटरडे को डाल भी सकती हूँ, नहीं भी डाल सकती हूँ, बस। बट मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे तो आपको आएगा। अभी मुझे किसी ने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैम एक फिक्स टाइम कर दीजिए, हम लोग वेट करते रहते हैं, या फिर कभी कभी गैप हो जाता है, तो वो गैप नहीं होगा। अगर मैंने कहा है कि मंडे थर्सडे और फ्राइडे व्लॉग आएगा, मींस मंडे थर्सडे और फ्राइडे व्लॉग आएगा एट एनी कॉस्ट, आप उसी हिसाब से एक्सपेक्ट कीजिएगा। आप सिर्फ 2 दिन वीडियो मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, एक हो गया ट्यूसडे को और एक हो गया सैटरडे को। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे अभी मैं फिलहाल रेगुलर हूँ, तो अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखना चाहते हैं जो आपने यहाँ नहीं देखे हैं शायद, तो आप मुझे फेसबुक पे देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। चलिए अब नीचे चलते हैं, कल साथ की बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, कल मैं शीट देकर उसको थोड़ा सा अपने काम में एंगेज हो गई थी, काम उसने कुछ नहीं किया, पूरा शीट गंदा कर दिया है। एक दिन भी उसको ना पढ़ाओ तो वो ऐसे होता है जैसे कि उसने महीनों से पढ़ाई छोड़ रखी हो, इस तरीके का उसका मन हट जाता है पढ़ाई से। तो कल उसने पढ़ाई नहीं की है, आज भी नहीं की है अभी तक, मैं बैठी नहीं, अब जाती हूँ, अब से उसी के साथ टाइम दूंगी। चलिए नीचे चलते हैं,
ये कपड़ा तो आज सूखेगा या नहीं सूखेगा, पूरा छत मेरा कपड़ा कपड़ा हुआ पड़ा। ये देखिए पूरा छत कपड़ा कपड़ा है, अभी तो और भी बहुत सारा कपड़ा है। नीचे चलते हैं, देखते हैं ये सूखेगा तो सूखेगा, नहीं सूखेगा तो। घर में रहती है तो सबको परेशान करती है, घर में नहीं रहती तो जैसे छोड़ देती है पीछा। अभी देखो बोले तो जितना होगा सब साटेंगे तुम देखो। अरे जय, तुम लोग हीटर में मारा मारी मत करो, छोटी और मम्मी में मारा मारी हो रहा है, छोटी और मम्मी में मारा मारी हो रहा है, पकड़ो। अरे तुम लोग हीटर बंद करके मारा मारी करो यार, रख के रहना। हार गई जीवन में तब तो, हार गई तो हार गई। नाम पे कुत्ता पाल लूंगा। कुत्ता काला पालोगी? साथ लो, छोटी और मम्मी में कंपटीशन हुआ था कि अगर मम्मी एक बिंदी जाके नहीं लगा के आएगी तो छोटी बहुत सारा लगा देगी, कि फिर भी बेचारी छोटी दो पे ही हार मान गई है। हार गई हार गई, पूरा पत्ता तो नहीं साट पाई, हार गई। कैसी लगती? ऐसे ऐसे करके साट देती है, जो रामायण मूवी में नहीं आती थी। अरे देखो कपड़ा डालना सूखा। हाँ बेटा, माई 7:30 हो रहा है, फोटो क्लिक करो। हाँ मम्मा फोटो क्लिक कर रही है। सार्थ मम्मा का अपना कैमरा देखते ही समझ जाता है कि हाँ फोटो क्लिक करना है। सार्थ अभी सो के उठा है, बेड पे इसने पानी गिराया है। क्या बना रहे हैं? स्टैचू बना रहा है मेरा सार्थ। हाँ स्टैचू बना रहा है, वो रहा वो पिल्लो जो कल सार्थ ने जलाया था 2 दिन पहले, है ना? हाँ वैसे जला दिया है, पानी से पहले गीला किया था फिर वैसे जला दिया था, हीटर पे बता रहा है। ये स्टैचू बना रहे हो, जरा काउंट करके बता दो इसमें कितने कप है। ये पापा भी लेकर आए थे हम लोगों को किसी के घर में, मतलब एक हमारे जान रिलेटिव है उनके घर में हम लोगों को भी चाय बनाकर भेजना था किसी कारणवश, तो उसी के लिए पापा यहाँ पर ये वाला डिस्पोजल कप लेकर आए थे। बहुत सारा इसके हाथ लग गया है, एक पैकेट, तो ये लेकर इधर भाग आया है। अभी फिर नेक्स्ट टाइम जब चाय बना के भेजना होगा तब मुसीबत आएगा, फिर कप ढूंढने के समय में इसकी मन्नत करनी होगी। दे दो बेटा, दे दो बेटा, दे दो बेटा। कितना कप है जरा काउंट कर दो बेटा, कितना कप है? इतना सारा तो कप है बट कितना कप है, काउंट कर दो। भैया कप लेके वो चला गया, वो भैया को जितना ले जाना था वो भैया ले गया। आपको आपके पास जो है वो जरा काउंट करके बता दीजिए। मम्मा को कितना है? पेपर में डाल लीजिए। अब हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? हाँ 8, 9, 10 पढ़ाई करेंगे। सार्थ की माँ और मासू नहीं है अभी घर में, वो लोग कहीं गए हैं। तो सार्थ, हाँ बेटा, वन के बाद तो इस वक्त सार्थ मेरी जिम्मेदारी है। वन चले पढ़ाई करने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अच्छा कब खत्म हो गया मेरा ध्यान नहीं गया। 25 के बाद कब बेचारे का खत्म, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ काउंटिंग किया जाए। दीजिए चलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, अब सार्थ को थोड़ा सा पढ़ाया जाए। आज सार्थ पढ़ाई नहीं किया है, है ना? इतना सारा कहाँ पढ़ाई किए हो? एक फ्लाइंग किस दे दो सबको। नहीं दे दो फ्लाइंग किस, बाय कर रहा है पहले ही। पूरा लाइक कर दीजिएगा, बाय लाइक कर दीजिएगा, बोलो बाय।
पहले बोलो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पहले नमस्ते कर दो, पहले नमस्ते करते हैं, बाय बाद में करते हैं, पहले नमस्ते करते हैं। वीडियो शुरू होते ही ये बाय करने लगता है। नहीं नहीं पहले नमस्ते करते हैं बेटा, बाय नहीं करते, पहले लोगों को घर में बुलाते हैं, प्यार से बिठाते हैं, उनसे हाल चाल पूछते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको कुछ खिलाते पिलाते हैं, उसके बाद जब वो जाने लगते हैं तब बाय बाय करते हैं। तो ऐसे ही हम भी व्लॉग में करते हैं, पहले सबको नमस्ते करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, और हाल चाल पूछने के बाद क्या करते हैं, जो जो नाश्ता करते हैं, हाँ नाश्ता करते हैं, जो हम नाश्ता करते हैं वो उनको भी नाश्ता कराते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हाँ उसके बाद जब हम रेस्ट करने जाते हैं तब हम सबको बाय कर देते हैं। उधर से कोई बोल रहा है, हाँ जब बाय कर देते हैं सबको, गोली नहीं मारते, बाय कर दो, बाय कर दो बेटा। मैंने अभी सात के लिए ना क्रिसमस के टाइम पे क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए बहुत सारा बुक मंगाया था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, दिखाई नहीं पाई थी मैं, तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको कितना सारा मैंने इसके लिए बुक मंगाया था, कौन कौन सा, कहाँ, हाँ हाँ सब बंद है। मैंने इसके लिए आई थिंक 3 या 4 बुक मंगाया था। मेरे साथ यही होता है, मैं पहले भूल जाती हूँ और उसके बाद ना सार्थ भी भूल जाता है मेरा। इसके बाकी सारे बुक्स का है, माइस का बुक है क्या कहीं पे, तुम देखी हो क्या, चलिए अभी तो वो कहीं मैंने रख दिया है तो मुझे भी नहीं दिख रहा है जो बुक अभी, मतलब 3-4 बुक शायद मैंने इसके लिए मंगाया था, बट क्या है ना कि चारों बुक इसी समय एक बारी में देने वाला नहीं था, तो दो मैंने रखा है, दो मैंने कहीं और संभाल के रख दिया। हाँ हमने किया वो एक अपना राइम गा रहा, हाँ हमने किया, तो वो मैंने कहीं और संभाल के रख दिया है। ये दिखाती हूँ मैं बुक, एक ये वाला बुक मैंने मंगाया था इसके लिए, लाइंस एंड कर्व्स का, इसमें ये लाइन बनाना सीखेगा। हाँ आ गया, चलो चलो चलो, तो ये वाली बुक के नाम पे भाग आया, बट मैंने अभी उसको ये दिया नहीं है। ये लाइंस एंड कर्व्स की बुक है, इसमें क्या है ना कि जैसे छोटे बच्चे, हाँ क्रिसमस ट्री है, कहाँ क्रिसमस ट्री बेटा, ये क्रिसमस ट्री वाली बुक नहीं है, क्रिसमस में आई थी इसकी बुक। इसका ना, इस बुक का जो मतलब मेन मोटो है ना वो ये है कि बच्चे का जो मोटर स्किल है, रुक जाइए बेटा रुक जाइए, अभी मिलेगा आपका, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, बस लपकने लगता है बुक और फॉरवर्ड देगा। हाँ मिलेगा बेटा मिलेगा, तुम्हें कहाँ से मिला, मैंने मंगाया आपको दिया नहीं बस। तो इससे ना बच्चे का जो मोटर स्किल है ना वो बहुत अच्छा डेवलप होता है, क्योंकि हाँ साथ नहीं गिरा, मम्मा ने साथ को पकड़ लिया, इससे बच्चे का मोटर स्किल बहुत अच्छा होता है, बच्चे की जो पेंसिल होल्डिंग कैपेसिटी है ना वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इसके ना देखिए ये ऐसे कुछ टाइप, इस टाइप का बना हुआ है, जैसे ये रेन ड्रॉप्स हैं, बच्चे को यहाँ पे रेन, आपको दिख रहा है, हाँ अभी शायद फोकस हो रहा है कैमरा, तो यहाँ पे ना बच्चा रेन ड्रॉप बनाता है, ड्रॉप बनाना है, तो उससे सिमिलर कुछ बच्चे को लाइन ड्रॉ करना है, जैसे कि रेन ड्रॉप भी स्ट्रेट आता है तो स्टैंडिंग मैन ड्रॉ करना है, ये बच्चे के लिए इस तरीके से हो गया कि स्टैंडिंग मैन बनाना है, फिर ये वाटर है रिवर में तो ये स्लीपिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो स्लीपिंग मैन है, इस तरीके से ना ये बच्चे का मोटर स्किल डेवलप करना है। उसके बाद आगे में हुप्स भी रोल करने के लिए है और वेव्स भी बनाने हैं, फिर अप एंड डाउन हिल, इसमें बच्चा स्लैंटिंग लाइन बनाना सीखेगा, बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, ये सब बनाना सीखेगा। तो इसलिए ये वाला बुक, और स्नेक ग्रास में कैसे चलता है ऐसे करके रहता है ना, तो वो सब भी है, इससे बच्चे का जो पेंसिल का कंट्रोल है, पेंसिल का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने साथ को दिया नहीं, उसका सबसे पहला रीजन ये था कि अभी ये बुक को उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेगा जितना अच्छे से ये फाड़ देगा, तो मैंने क्या किया इसके लिए बहुत अच्छा जुगाड़, अगर आपके पास भी छोटा बच्चा है तो आप ये जुगाड़ करिएगा, बहुत काम का होता है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे के साथ घर में ना एक प्रिंटिंग मशीन जरूर होनी चाहिए, मीन्स प्रिंटर होना चाहिए, तो इस पूरे बुक के सिंगल सिंगल पेज को मैंने 5-5 कॉपी कराया है, इतना सारा मेरा ये निकला है, कितने पेज का है, आई थिंक ये ना 32 पेज का ये बुक है, तो एक दो पेज तो मतलब एक्स्ट्रा होंगे तो 30 पेज मान लीजिए, तो 30 पेज का ना मैंने 5-5 कॉपी कराया है, तो मैं इसको एक एक पेज देती हूँ, जैसे
वो देखा आपने रेन ड्रॉप वाला, तो मैं दो पेज ये कराऊंगी, फिर दो पेज ये कराऊंगी, करते करते जब ये मेरा पूरा फिनिश हो जाएगा ना, जब तक ये मेरा पूरा 150 शीट वन मंथ पे फिनिश हो जाएगा, जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा तब तक सार्थ ये करने लायक हो जाएगा, तब ये सार्थ अच्छे से करेगा। अदरवाइज अभी ये बहुत, जैसे जब मैं पहली बार कोई पेज देती हूँ ना, जैसे मैंने फर्स्ट नंबर पेज दो बारी करा लिया, अब मैं सेकंड पेज दे रही हूँ इसको, तो सेकंड नंबर पेज जब मैं देती हूँ तो पहली बार जब वो करता है ना तो उतने अच्छे से नहीं करता, वो समझता नहीं है, इधर पेंसिल चलाता है उधर पेंसिल चलाता है, बट जब उसी पेज को वो एक दो बारी और कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस उस पेज पे बन गया रहता है, तो समझ में आता है कि कैसे कैसे पेंसिल मूव करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पेज तक जाते जाते वो थोड़ा समझने लगता है, फोर्थ पेज में वो बहुत अच्छा करने लगता है। तो सिंगल सिंगल पेज का मैंने 5-5 कॉपी लिया हुआ है, तो जब 5-5 उधर खत्म हो जाएगा ना, जब ये पूरा शीट खत्म हो जाएगा, तब मैं ये वाला कॉपी, ये वाली बुक कराऊंगी उसको। एक तो ये रहा, दो ही बुक मैंने उसमें से निकाला था अभी, एक ये वाला बुक और एक ये वाला बुक। इसमें भी स्ट्रोक ही है, बस दोनों में फर्क, बेटा एक मिनट रुको ना, दोनों में फर्क क्या है, इसमें थोड़ा कम है उसमें ज्यादा है, इसमें कंटेंट थोड़ा कम है, जैसे इसमें मिसिंग स्ट्रोक्स दे रहा है, देना है, बनाना है बच्चे को, और सर्कुलर स्ट्रोक्स भी, इन साइड कर्व्स है, दोनों में सेम है, बस फर्क इतना है कि उसमें ज्यादा है, वो थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का है और ये थोड़ा बिगिनर लेवल का है। तो मैं एक इसमें से कराती हूँ, एक इसमें से कराती हूँ। अभी वैसे भी मैंने अल्फाबेट में सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन वाले ही इसको कराए हैं, स्लैंटिंग लाइन वाला मैंने कोशिश किया था कराने का, बट अभी स्लैंटिंग लाइन वाला ये कर नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि छोड़ देती हूँ, क्योंकि स्लैंटिंग लाइन मेरे से ना थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया, जब मैं इसको लाइन सिखा रही थी ना तो पता नहीं कैसे मुझसे ना स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस थोड़ी इसकी कम हुई है, मैंने ही थोड़ी कम कराई है प्रैक्टिस, इसी वजह से इसको स्लैंटिंग लाइन में प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं पहले ए से जेड तक स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन का कम्प्लीट करा लूंगी, उसके बाद थोड़ा सा पहले स्लैंटिंग लाइन का बैकवर्ड फॉरवर्ड खूब इसको रगड़वाऊंगी 10 दिन, उसके बाद मैं इसको वो वाला अल्फाबेट कराऊंगी। हाँ मेरा बच्चा, चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। चल चल क्या, एक बार आप खड़े हो जाइए, जब भी मैं किनारे खड़ी होती हूँ ऐसे ही आके पीछे से लपकता है। आज मैं कराऊंगी इसको एक स्लीपिंग लाइन का प्रैक्टिस, एक स्लीपिंग लाइन और स्टॉप इट, ओके ओके, और एक ये फ्रेंच कराऊंगी। अब जैसे देखिए इसमें क्या है ना, स्टॉप, स्टैंडिंग और स्लीपिंग दोनों लाइन का कॉम्बिनेशन है, तो बच्चा डिफ्रेंशिएट कर पाएगा ये स्टैंडिंग है ये स्लीपिंग है, कंफ्यूज नहीं होगा, इस समय तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। तो आज मैं ये दोनों शीट कराने जा रही हूँ साथ को। पता नहीं मैंने 2-3 बुक और कहाँ रख दिया, 4 बुक मुझे जहां तक याद आ रहा है ना, मैंने 4 बुक मंगाया था इसी टाइप का है, उसमें भी सिमिलर ही है सब, बस फर्क यही है कि अलग अलग स्टोरी से, अलग अलग पिक्चर के हेल्प से, अलग अलग वे से लाइंस और कर्व्स को ना बताया गया है उसमें, बाकी मोटो बुक का यही है, पेंसिल होल्डिंग और मोटर स्किल डेवलपमेंट। बेटा इसमें का एक वो कहा गया, रबर बैंड कहा गया, जो मैंने बेटा पेज नहीं पकड़ते बेटू, कट लग जाता है। हाँ कट लग जाता है, पेज कभी नहीं पकड़ते हैं, पेज कभी भूल के भी मत पकड़िएगा। हाँ पेज मत पकड़िएगा भूल के भी, कट लग जाता है। आगे तुम लोग, तुम की यहाँ क्या करने आया, तुम यहाँ क्या करने आया, साथ की मासी आ गई तो साथ पूछता है तुम यहाँ क्या करने आया है, और जब जाती तो पूछ तुम क्यों जा रहा है, कहाँ है पेंसिल मांगो, वो कह रहा है कि मैं पैर से ऊपर मार रहा। अच्छा पैर से ऊपर मार, नो नो बेटा नहीं मार, पेंसिल इधर कहीं था, सार्थ बेबी नहीं है, वो सार्थ बेबी नहीं है, वो सार्थ बेबी नहीं है, मासो दूसरा बेबी ले आई है, मासू दूसरा बेबी ले आई, अब तुमको प्यार नहीं करेगी सार्थ, सोच लो कौन बेबी है सार्थ, अब मासू दूसरा बेबी ले आई, अब तुमको प्यार नहीं करेगी, बताओ अब क्या होगा, अब एक भी टॉयज, ये सब कार वार जो तुम्हारा है ना वो सब उस बेबी को दे देगी अब मासू, क्या नाम है उस बेबी का, सार्थ है।
साठ है। जो चल कौन आएगा, जो चल कौन आएगा, नहीं छोड़ो, बबलू छोड़ो, मुझे छोड़ दो।